मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं, पिछले 2-3 दिनों से हो क्या रहा है, रात में पश्चिमी राजस्थान के जैसे बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू, नागौर, हनुमानगढ़, यहां अचानक मौसम पलटता है, तेज आंधी के साथ तूफानी बारिश हो रही है और यह बारिश सुबह तक जारी रहती है। और यह सब इस वजह से हो रहा है क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है और जब भी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता है तो राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का मौसम है वो पलट जाता है। हुआ क्या था, अब की बार प्री मानसून की बारिश लगभग सभी जगह हो गई थी लेकिन बीकानेर, चूरू, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ पर कमी थी, लेकिन यह जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है यह कमी अब इसने पूरी कर दी है। इन इलाकों में बीते 2 दिनों से भारी बारिश हुई है और मंगलवार को भी पश्चिमी राजस्थान 4 जिले जैसे बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ में भारी बारिश हो सकती है। वहीं सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर और नागौर में भी बारिश होने की संभावना आज बनी हुई है। अब आगे क्या होगा, कल यानी कि 22 जून से कुछ जिलों में प्री मानसून की बारिश में कमी आ जाएगी और 23 जून से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ और शुष्क होने लगेगा। हालांकि कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है, 23 के बाद अगले 3-4 दिन तक मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन मौसम के इस शुष्क वाले चरण के बाद फिर से एक नया सिस्टम बनेगा और उसी के साथ मानसून की एंट्री होने की संभावना है। माना जा रहा है 25 जून के आसपास राजस्थान में मानसून की एंट्री हो सकती है और उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में मानसून को पहुंचते पहुंचते 5 से लेकर 8 जुलाई तक का समय लग सकता है और इस पीरियड में जालौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर समेत कई जिलों में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होगा।